वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस जगह पे आकर, बिकॉज आई वॉज पासिंग बाई दिस प्लेस एंड मेरी नज़र इस कैफे पे पड़ी एंड ट्रस्ट मी इट इज सच एन अपीलिंग कैफे एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड द एम्बियंस इज लवली एंड जब मैंने इनका मेन्यू देखा दे हैव सम अमेजिंग फूड इन वेरी रीजनेबल प्राइस एंड दी स्वीट क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैफे अट्रैक्टेड मी टू वर्ड इटसेल्फ। मेरी बात यहाँ के ओनर से हुई एंड उन्होंने कहा दैट ही वुड लव कि अगर मैं यहाँ आऊँ एंड इनके इस कैफे को कवर करूँ। तो हियर आई एम प्रेजेंटिंग टू यू ऑल अ ब्रांड न्यू कैफे जो बहुत ही रिसेंटली ओपन हुआ है। तो अब चलिए मैं आपको इसके अंदर का एम्बियंस दिखाती हूँ, इसके फूड का लुक दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ इट्स वर्थ और नॉट। Item which I have ordered is cottage cheese steak. Now you can see over here कि दो बड़े-बड़े chunks of cottage cheese दिए हैं। उसके साथ उन्होंने mashed potato and some veggies दिए हैं। Veggies में you can see you have broccoli, zucchini, then you have bell peppers over here, corns, and yeah, that's it. Oh yeah, they even have tomatoes as well. एंड देख के तो बहुत अच्छे से ये सॉलिड लग रहा है। अब इसे मैं जल्दी जल्दी खा के बताती हूँ। ओह वाओ, इट इज वेरी सॉफ्ट। अमेजिंग गार्लिक सॉस जिसमें उन्होंने इस केक को टॉस किया है एंड इट्स गिविंग अ वेरी 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 अमेजिंग टेस्ट। यू नो द स्टेक इज जस्ट मेल्टिंग इन माय माउथ एंड आई जस्ट सी आई कैन रेस्ट माय सेल्फ। आई ट्राइड टू डू नॉट टू डू एज वेल। अमेजिंग अमेजिंग। इट कॉस्ट $2.99 एंड आई थिंक इस प्राइस में इट्स वर्थ। इट्स फ्रेश, इट्स डिलीशियस, इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल एंड इट इज फिलिंग एज वेल। तो ये आइटम तो अगर आप यहाँ आ रहे हो प्लीज 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 ले लीजिएगा। नाउ द सेकेंड आइटम विच आई हैव ऑर्डर्ड इज चिकन एंड चीज डिम्सम। बट उसके साथ उन्होंने मुझे यहाँ पे सूप दिया है विच इज़ वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी। So you can see the eggs and the consistency देखिए काफ़ी thick है इसकी and definitely you'll get a sauce which is a spicy sauce with the dim sum or if you're having a momo, but I'm curious to know about the taste. Well, you're gonna get 6 pieces of dim sum. I'll take out one. पहले तो मैं इसे तोड़ती हूँ और इसका fillings check करते हैं हम। एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट है, मेरे तोड़ने से पहले ही टूट गया। बहुत सॉफ्ट है। पहले हम इसे सॉस के साथ खाते हैं। वेरी नाइस, वेरी जूसी आई मस्ट से। मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसा जूसी डिमसम खाया है, आप देख सकते हो मेरे हाथ से एंड इसके कोटिंग से आपको पता लग गया होगा एंड द सॉस इज़ गिविंग अ वेरी गुड किक विद दिस डिमसम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस सूप एज वेल।
काफ़ी स्लर्पी है। बहुत अच्छा है ये सूप, थिक है, स्लर्पी है एंड काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में एग मिक्स्ड है इसमें। जैसा आपको पता है मोमोज एंड डिमसम के साथ मिलता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डिमसम, मैं इसे स्टैंड अलोन भी खा सकती हूँ बिकॉज ये काफ़ी जूसी है, बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक आई वी नीड अ चटनी और एनी थिंग विद दिस। सो या दिस इज अ सेकेंड मस्ट ट्राई आइटम इफ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस। थर्ड आइटम इज सिज़लर ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तीन आइटम्स खाया है एंड तीन अलग अलग जगहों पर। द ओनली रीजन इज दैट आई एम लविंग द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शिफ्टिंग माई टेबल। एंड इस टेबल पे आने का रीजन था द कोटेशन, लव द टेस्ट एंड ट्रस्ट मी, जो भी मैंने यहाँ पे खाया है अभी तक आई जस्ट लव्ड द टेस्ट। बट आई एम नॉट एक्चुअली गोना रिव्यू दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। जस्ट मेरा एक कंसर्न है, आई वॉन्ट सी वेदर द ब्राउनी इज सॉफ्ट और नॉट। सो लेट्स डिग इनटू इट। Yes, it is soft. Ah, I just love this sizzling sound. Awesome. The brownie is very soft. It's melting in your mouth. एंड यू नो इससे बेहतर एंड तो हो ही नहीं सकता। सो आप लोग हमेशा मेरे रिव्यू पे ट्रस्ट करते हो, राइट? सो इस बार भी मेरे रिव्यू पे ट्रस्ट करिए, आंख बंद करके इस जगह पे आइए, इस जगह के खानों का लुत्फ उठाइए। दे हैव सम अमेजिंग अमेजिंग फूड मेन्यूज व्हिच दे सर्व ओवर हियर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इन दी एंड आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And don't forget to comment down below as well. I'll see you all with my next video. Tab tak ke liye, bye bye from my end.